और आखिरी चंद मिनट बचे हैं आज के ट्रेड के, जहां पर हमने देखा है सेल ऑफ सुबह से ही हावी और 8350 के आसपास तक के लेवल्स निफ्टी पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ काउंटर्स पर एक बार नजर फेर लेते हैं, जहां पर आज हमने देखा है सरप्राइजिंगली अगेंस्ट द ट्रेंड मूव आया है। यहाँ पर अपोलो टायर्स भी आप देखिए करीब 2.5% के गेंस दिखाता हुआ, अशोक लेलैंड जैसे काउंटर जहां पर नंबर्स अच्छे थे तो एक अच्छी खरीदारी बनती हुई दिखाई दी है, लेकिन अपोलो टायर्स में भी हम देख रहे हैं अब 2.5% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। क्या अपोलो अशोक लेलैंड जैसे काउंटर्स में आप लॉन्ग पोजिशन ऐड करेंगे किरण? अशोक लेलैंड, अगर दोनों अपोलो टायर और अशोक लेलैंड की कंपैरिजन करें तो अशोक लेलैंड का चार्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, जहां पे आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से अभी अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस 89 का रहेगा, 89 के ऊपर अगर क्लोज मिलता है तो मेरे ख्याल से एक और 95-97 के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाने चाहिए। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखें तो एक ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी है इस स्टॉक को, एक बार 89 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया इसके ऊपर तो एक बहुत अच्छी मूव आपको देखने को मिल जानी चाहिए। अपोलो टायर्स के बारे में बात करें तो अपोलो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक दिखाई दे रहा है, जहां पे हमने कल 208 से लेके 183 तक बहुत बड़ी गिरावट देखी गई थी, बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ देखी गई थी, तो उसका एक पुलबैक शायद दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से इधर नए बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही है। ओके, तो आप कह रहे हैं यहाँ पर खरीदारी का कोई नया मौका फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। आखिरी मिनटों के